फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूपस कॉर्नर में और मींस मैं और आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप घर बैठे कुछ सिंपल एंड इजी स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी पेडीक्योर कंप्लीट कर सकते हो। पार्लर जाने के लिए जो टाइम और पैसे दोनों ही बचाकर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके और वीक में एक बार ये पेडीक्योर करके आप अपनी पैर को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो चलिए देर किस बात की है, पार्लर जैसी पेडिक्योर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरी पेडिक्योर प्रोसेस फॉलो करके आपके पैर की टैनिंग भी दूर होगी और आपके पैर बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिखेगी। सबसे पहला स्टेप होगा अपने नेल पेंट को रिमूव करना, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी नेल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। गाइस, बहुत दिनों तक नेल पेंट अगर नेल में लगी रहे तो नेल में थोड़ा पीलापन आ जाता है। हम लेंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा और उसमें लेमन जूस अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। फिर एक टूथ ब्रश लेकर अच्छी तरह से पूरी नेल्स पर उसे अप्लाई कर लेंगे और उसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेमन जूस और बेकिंग सोडा हेल्प करेंगे हमारी नेल्स के पीलापन हटाने में। फिर टूथब्रश लेकर हम अच्छी तरह से नेल को क्लीन कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप पे हम एक टब में वार्म वाटर ले लेंगे और उसमें एक चम्मच सॉल्ट और एक चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर लेंगे। देन आपके पास कोई सा भी हैंड वॉश शैम्पू जो भी हो उसे मिक्स करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक स्पा वाइप्स लाने के लिए हम थोड़ी सी रोज पेटल भी उसमें ऐड कर देंगे। फिर उसमें अपने दोनों पैर डुबो देंगे और ऐसे ही 5 मिनट तक रहेंगे। देन एक नेल कटर लेके आपकी नेल्स को अच्छी तरह से शेप दे देंगे। देन एक फाइलर लेके अच्छी तरह से नेल को फाइल कर देंगे। गाइस, फाइलर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही चलाना, वरना नेल टूट भी सकता है। पर अपनी नेल्स के कॉर्नर को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूं। और अपनी नेल्स के क्यूटिकल को भी मैं क्लीन कर रही हूं। इस टाइम आप थोड़ी सी सॉफ्ट हैंड में ही करना, वरना गाढ़ी नहीं कर सकता। थर्ड स्टेप में हम करेंगे स्क्रबिंग। उसके लिए कोकोनट ऑयल में हम कॉफी पाउडर ऐड करके एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। गाइस, कॉफी पाउडर आपके स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेंगे और कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेंगे आपकी स्किन को। उस स्क्रब को हम दोनों पैर में अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में सॉफ्ट हैंड से स्क्रब कर लेंगे। Thank you.
अच्छी तरह से उसे वॉश कर लेंगे। आता है हमारी स्टेक फोर, जिससे हम इसके लिए हम लेंगे राइस फ्लोर और उसमें कट ऐड करेंगे और 1 inch ऑफ कस्तूरी हल्दी। देन हम रोज वाटर मिलाकर उसे एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। गाइस, राइस फ्लोर स्किन को लाइट करने में हेल्प करती है और कर्ड में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपकी टैनिंग दूर होगी। पैरों को अच्छी तरह से टॉवल से ड्राई करके फिर हम उस फोर्थ पैक को अप्लाई कर लेंगे। अच्छी तरह से दोनों पाव में हम अप्लाई कर लेंगे, फिर 15 मिनट्स के लिए हम उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। फिर एक टॉवल से आप उसे वाइप कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में हम अच्छी तरह से दोनों पाव में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पर बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ। एंड लास्ट, आप चाहे तो आपके फेवरेट कोई सा भी नेल पेंट अप्लाई कर लीजिए। एंड नाउ दैट्स ऑल, माय पेडिक्योर इज डन। तो गाइस, ये थी मेरी एट होम पेडिक्योर, जिसे आप फॉलो करके आपके पैर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और उसी के बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।